शेर की खाल में, गधा या गद्रव, यह है जातक नंबर 189। जातक कथा का नाम है सिंह चम्म जातक। सिंह जो होता है पाली के अंदर उसको शेर को बोलते हैं, और जातक कथा तो आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध की जो छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं सारी, वो जातक कथा के अंदर बच्चों को सिखाने के लिए या ऐसे लोगों को सिखाने के लिए जिनको रस भी आए और वो बात का सार भी समझ लें। ये जातक कथा बहुत ही मज़ेदार कथा है। एक गांव में एक वाणिज्य को होता है, यानी कि एक व्यापार करने वाला व्यापारी होता है, उस समय का व्यापारी या उसके बाद का जब कहानी बनी है उसके समय का। वो जो गधा होता है वो उस पे सामान लाता है और गांव में जगह जगह जाके अपना सामान बेचता है। व्यापारी बहुत ही ज़्यादा कपड़ है यानी कंजूस है, और बुद्धि से यानी कुबुद्धि से बहुत तेज है। सुबुद्धि तो नहीं है, कुबुद्धि से बहुत तेज है। वो क्या करता है कि जब गधे को कुछ खिलाने की बारी आती है तो वो उस पर एक शेर की खाल बांध देता है, और शेर की खाल बांध के उसको किसी के भी खेत में छोड़ देता है। लोग ये समझ के कि यहाँ शेर घुसाया, लोग खेत को छोड़ के भाग जाते हैं, और वो जो गधा है वो आराम से कभी जौ, कभी गेहूँ, कभी मक्का, जो फसल होती है किसानों की, उसको बड़े मज़े से चढ़ता है, उसके बड़े मज़े आते हैं, और वो दिन दूनी रात तक ही करके मोटा होता रहता है। उधर जो वाणिज्य को है यानी जो व्यापारी है उसका पैसा बचता है और उसके भी बड़े मज़े आते हैं, और वो भी खूब मोटा ताज़ा तंदुरुस्त होता है, क्योंकि उसकी कमाई का एक जो हिस्सा है जो गधे को खिलाने में जाता है वो बचता है। ऐसे ही दिन कट रहे होते हैं। एक बार जब व्यापारी अपने गधे पे शेर की खाल बांधता है तो शेर की खाल बांध के वो एक खेत में छोड़ देता है। वहाँ के जो लोग हैं वो सब उसको शेर समझ के खेत को छोड़ के भाग जाते हैं। एक बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो गांव में जा कहता है कि ऐसे ऐसे शेर गांव में आया हुआ है और खेत में घुसा हुआ है, किसी बच्चे को किसी जानवर को हानि हो सकती है। सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं और अपने हाथ में जो भी डंडा, लठिया, मल्लम, भाला, तीर, कमान जो भी होता है वो सब लेके आते हैं, और वो खेत में चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। जब उसको घेर लेते हैं और हकारा लगाते हैं, ज़ोर से चिल्लाते हैं, तो गधा ये समझता है कि अरे आज तो मैं फंस गया, आज मैं मारा जाऊंगा, और वो अपने बचाव में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। और जब वो चिल्लाता है तो आवाज़ निकलती है गधे की, उसके ढैंचू ढैंचू होने की। गांव वाले समझ जाते हैं ये गधा है, शेर नहीं है, और वो सारे मिलके उसकी अच्छी तरह से खूब धुनाई करते हैं, खूब पिटाई करते हैं, जिसके हाथ में जो आता है वो उसे मारता है। वो जो गधा होता है वो लड़खड़ाता हुआ, टूटा फटा, घायल अवस्था में बड़ी मुश्किल से थोड़ी दूर सड़क पर जा पड़ता है और गिर जाता है। उधर जो वो वाणिज्य को होता है, व्यापारी होता है, वो अपने गधे को ढूंढता हुआ जब जाता है और देखता है कि इसकी तो हालत बहुत ख़राब है, तो वो उसको कहता है कि अरे तूने चुप रह के कितने जौ, कितने मकई और कितने सब खाए, मगर तू जो बोला तो तूने अपना नुकसान कर लिया, अपने को ख़त्म कर लिया और मेरा भी नुकसान कर दिया। ये कथा यहाँ समाप्त हो जाती है और गधा मर जाता है अपने मालिक से ये बात सुनकर। कहानी का जो सार है, कहानी जो शिक्षा देती है, कहानी ये शिक्षा देती है कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व ओढ़ता है, ऐसे बहुत सारे करैक्टर आपने देखे होंगे समाज के अंदर, जो व्यक्ति स्वयं उन गुणों से लबालब या उन गुणों से भरा हुआ नहीं होता, मगर जिस व्यक्ति के गुण बहुत अच्छे होते हैं, जिसका नाम बहुत प्रसिद्ध होता है, या जिसने कुछ समाज में अच्छा काम किया हो, या जो समाज में प्रसिद्ध हुआ हो अच्छे काम से, उसकी तरह का लिबास या उसकी तरह के कपड़े या उसकी तरह की चाल ढाल या उसकी तरह की बोलचाल या उसकी तरह तरह का खाना, उसकी तरह का रहना, उसकी तरह का पहनना ओढ़ना, बैठना उठना, उसको अपना लेता है। ये अपनाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी महापुरुष का अगर कोई अच्छा काम है और उसको अपनाए, मगर नुकसान तब है जब आप उसके गुणों को तो अपनाए ना, उसके गुणों पे चले ना, और उस जैसी वेशभूषा या भाषा या बोलचाल या खाने पीने का तरीका या बोलचाल का तरीका या उठने बैठने का तरीका
या उस जैसी अदा या उस जैसा स्टाइल अपना लें आप, तब नुकसान ये होता है कि आपकी जो ओरिजिनल चीज़ है वो भी चली जाती है, और जो आपने किसी महापुरुष का, किसी अच्छे पुरुष का कुछ अपनाया है तो उसके गुणों को आप अपना नहीं पाए, तो आप ना घर के रहे ना घाट के रहे, और उसमें समाज में आपकी वाहवाही होने की बजाय, अच्छाई होने की बजाय और ज़्यादा बुराई होती है, और अनंत गधे जैसा हालत होती है कि वो व्यक्ति मर जाता है बिना कुछ किए हुए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हमने अगर भेषभूषा या रंग या जो भी कुछ अगर हमने किसी महापुरुष जैसा कर लिया तो हम उस जैसे हो गए। दरअसल सभी के अपने अपने गुण होते हैं, अगर मूल गुणों को अपनाया जाए या महापुरुष के गुणों को अपनाया जाए तो फिर आप महापुरुष से भी आगे बढ़ सकते हैं, महापुरुष से भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं, उस व्यक्तित्व से भी आगे जा सकते हैं। अन्यथा तो लोग आपको वैसे ही पीटेंगे, वैसे ही मारेंगे, साक्षात ना मारें, अगर आपको प्रेजेंट में ना मारें तो वो पीछे से आपकी बात करेंगे या पीछे से आपको हानि पहुंचाएंगे, आपको निराश करेंगे, आपको अपमान करेंगे, आपको अवसाद में डालेंगे, आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। उससे बचने से बेहतर है कि आप अपने मूलभूत जो तरीका है वो रहें और महापुरुष के गुणों को अपनाएं, उसके वेशभूषा, उसका पहनना ओढ़ना ना अपनाएं। आपके गुण आपको बहुत ज़्यादा ऊपर तक लेके जा सकते हैं, जो आपके अच्छे गुण हैं। ये कहानी का सार है। एक बात इसमें खास है कि इसमें गधा इस्तेमाल किया गया है। गधा भारत का जानवर नहीं लगता, ना ही भारत में कहीं गधे के बारे में कोई जिक्र है। गधा जो है वो बेसिकली विदेशी जानवर है, बाहर से आया हुआ है। जो गधा है वो या खच्चर है वो बेसिकली पहाड़ों पे ज़्यादा काम करता है या वहाँ ज़्यादा काम करता है जहाँ घास फूस थोड़ी कम होती है और ठंडी चीज़ ज़्यादा होती है, जहाँ वजन ढोने के लिए आदमी को उस जानवर की जरूरत पड़ती है। गधा पूरे भारत में भी नहीं पाया जाता, अब हो सकता है कि थोड़ा बहुत हो मगर उस समय नहीं। पाली भाषा के अंदर, जो मूल भाषा के अंदर है, वो गंधर्व शब्द है, यानी गय, दे और आधा रे और भय। तो गंधर्व जो शब्द है, आधे रह वाले शब्द तीन कुल पाली में है, एक गंधर्व है, एक ब्राह्मण है और एक इंद्र है, बाकी कोई भी आधे रह वाले शब्द नहीं है। ये ऐसे के ऐसे ही उठा के रखे गए हैं। यहाँ चूंकि पाली का ये शब्द ही नहीं है इसलिए इसका कोई सदा शब्द भी नहीं बन पाया। कुछ लोग इसको गधा कहते हैं। ये जो गाली बनी, ये तो गधा है, गधे जैसा खारा है, गधे जैसा पड़ा हुआ है गधा। ये जो गाली बनी है गधा, ये शायद इसलिए बनी है क्योंकि ये बाहर से आया हुआ करैक्टर है, बाहर से आया हुआ जानवर है और यहाँ के लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए जब कोई निकम्मा या कोई बेकार आदमी होता है तो उसको गधा बोलते हैं। धन्यवाद।